अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपका। अल्लाह पाक आपको सेहत और ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, आमीन। उम्मीद है आप सेहतमंद होंगे। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और यहाँ से मैं शुरू करने लगी हूँ खाने से। तो मेरा खाना क्या बनेगा आज, मैं वेजिटेबल बना रही हूँ मिक्स। तो इंशाल्लाह जो है ना वो आपको डेली की रूटीन शेयर करती रहूँगी अपने साथ, और आपकी मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो ये मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, मटर लिए हैं, गाजर लिए हैं और ये आलू लिए हैं। ये मैंने तकरीबन अपने मुनासिब तरीके से जितने हम घर के फैमिली के फ़र्द हैं ना उतने बनाने लगी हूँ मैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनानी, बस नॉर्मल सी थोड़ी सी हंडिया बनाऊँगी जो आपके साथ शेयर करते रहेंगे डेली के डेली। अभी मैंने चूल्हा ऑन किया और इसमें मैं डालने लगी हूँ प्याज। तो बस अभी हम हंडिया बनाना शुरू कर देंगे। तो अभी मैं बोलती हूँ आपको हंडिया बना करके, क्योंकि जाहिर है कि वेजिटेबल तो सबको आती है बनानी। तो ये है कि जैसे जैसे मैं थोड़ा बहुत वो वेजिटेबल के मसाले वगैरह डालूंगी वो भी आपको मैं साथ बता दूंगी। एक चम्मच और एक चम्मच डाली और यही है, क्योंकि मैं मसाले ज़्यादा हंसते थे वो भी डालूंगी। तो इतना ही मेरे पास सब्जी वगैरह बन गई हिसाब से, गरम मसाला लेना और सिर्फ मिर्च और हल्दी, बस यही चीज़ें मैंने डाली हैं। तो उसके बाद जब बन जाएगी सब्जी तो फिर मैं थोड़ी सी मिर्च डाल इसमें गाजर और आलू में। तो मटर मेरे पहले ही गले हुए थे क्योंकि वो मैंने पहले उनको ना बॉइल कर लिया था थोड़ा सा, क्योंकि आजकल मटर ऐसे आ रहे हैं वो सब्जी में गलते ही नहीं है जब भी बनाए, तो फिर वो मैंने पहले भी बॉइल कर लिए हैं। अब जब ये बन जाएंगे तो फिर बुनाई करते हैं साथ का मटर को डाल देंगे। तो बस अब मैं इनको डाल लगाती हूँ, जब बन जाएंगे तो देखते हैं कि मैं ना या देखने लगी। और अभी इसको ना तकरीबन 4-5 मिनट तो करते हुए बिल्कुल सही हो जाएगी। और साथ में ना ये मैं मटर डालने लगी हूँ क्योंकि मटर भी अभी दम में बनेंगे थोड़े से, क्योंकि गले में हैं, बस थोड़ा सा इनको बिना 5 मिनट खाने का चले बिल्कुल वो मैश ना हो जाए। तो बस इसको भी थोड़ा सा हम दम पे रख दें तो फिर हम थोड़ी देर बाद दिखाते हैं आप जब तैयार हो जाए। और साथ में चाय बना रही हूँ अपने लिए, ये दूध रखा हुआ है मैंने गरम, तो बस ये होती है देने की। अच्छा, यहाँ पर मेरी हंडिया होगी ये तैयार और ये मैं धनिया डाल रही हूँ इसमें। तो मैंने कहा चलें ये जो ये भी क्लिप आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि एंड पे यही मेरी हंडिया तैयार हो गई थी। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी अब जो है ना वो कसूरी मेथी डाल रही हूँ इसमें, तो इससे ये है कि ज़रा खुशबू अच्छी हो जाएगी खाने की। जब भी सब्ज़ी आप बनाएं आप लाजमी इसमें कसूरी मेथी डाला करें, उससे ये है कि इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। मेरा खाना जब तैयार हो गया था तो मैं अभी खाना खाने लगी थी, तो मैंने कहा ये भी लास्ट लुक आपको दिखा दूँ। तो आपने ना मुझे मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना है, लाइक भी किया करें, और जो देखने वाले हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट किया करें। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।